क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार। सामने दरिया रावी है भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है दोस्तों, मैं अब्दुर्रज़्ज़ाक फुलपोटरो इस्लामाबाद से। एक दफ़ा फिर भाई मेरा बैग जो है ये काला वाला छोटा वो है बिल्कुल रेडी। मैं यहाँ से इस्लामाबाद से भी निकलूँगा, फैसल मूवर्स जो बस है वो लेके यहाँ से जाऊँगा सीधा इंशाल्लाह लाहौर। तो लाहौर में तकरीबन मेरा थोड़ा सा दो चार दिन का काम है, उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह हम आएँगे वापस इस्लामाबाद। पंखे को ऑफ़ कर देते हैं और बैग को उठाते हैं, और ये जो है कवर ये है मोटरसाइकिल का कवर। चले जी मोटरसाइकिल को लॉक करके उसको कवर करके करते हैं बंद। इस घर को कर रहे हैं बाय बाय दो चार दिन के लिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वापसी होगी। इसका मुझे साइड का समझ में नहीं आता कि ऊपर वाला कौन सा है। गाड़ी कवर हो गई है भाई बिल्कुल, अभी निकलते हैं यहाँ से। कवर हो जाओ भाई, अभी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा मोटरसाइकिल को भी दो चार दिन ना। ये जो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक पार्क है वहाँ पे भाई वेट कर रहा हूँ भाई। यंगो जो सर्विस है जो यानी कि छोड़ते हैं एज अ टैक्सी, उसको मैंने ऑर्डर किया है। थोड़ी देर के बाद जो यंगो गाड़ी इधर आएगी वो मुझे लेके जाएगी फैसल मूवर्स का जो स्टॉप है वहाँ। हाँ जी ये आ गई यंगो की गाड़ी यार, बड़ी फास्ट है इनका जो है इस सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी यंगो ने मुझे यहाँ उतार दिया, ये है जी टर्मिनल फैसल मूवर्स का। थोड़ी देर के बाद यहाँ से बस निकलेगी सीधा लाहौर के लिए। शेयर करते हैं आप लोगों के साथ लाहौर तक का सफ़र फैसल मूवर्स में। पहली दफ़ा मैं इस्लामाबाद से लाहौर के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जी एक चीज़ जो है शेयर करना मैं भूल गया, तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर का फासला था मेरे घर से यहाँ फैसल मूवर्स का जो स्टॉप है वहाँ तक, और यंगो वाले जो गाड़ी है उसने मुझसे चार्ज किए 180 रुपीज़। यानी कि कह सकते हैं आप मोटरसाइकिल भी इतना ही ले लेती है भाई, यानी कि मोटरसाइकिल किराए में आप यंगो को कार को भी यूज़ कर सकते हैं। वो ज़बरदस्त यार, और सैंडविच वगैरह भी ले सकते हैं। ये देखिए कैसे ये हैं, ये अंदर फैसल मूवर्स का अंदर का माहौल है भाई। ये सैंडविच है, पानी किधर है भाई? अच्छा ये बिरयानी भी बेचते हैं यहाँ पे, ये कितने की बिरयानी? 350 की है। ठीक है शुक्रिया। पानी की बोतल यहाँ पे? मैंने सिर्फ पानी लेना है भाई, मैं अदरवाइज़ नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह करके आया हूँ। यहाँ से मुझे चाहिए पानी। हाँ ये पानी है, ये हाँ ठीक हो गया। हाँ जी ये बस आ गई हमारी जो लाहौर जाएगी, चढ़ रहे हैं बस में। ये सामने भाई वेटिंग हॉल भी है, आप इधर बैठ के इंतज़ार भी कर सकते हैं जब तक आपकी गाड़ी ना आए। ज़बरदस्त यार। सो मुझे का काम ये कि मेरे को अगली की अलग सीट मिली है भाई, ये अच्छा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंदर भाई बस का खूबसूरत नज़ारा है, एलसीडी लगी हुई है और मेरी सीट है कुछ ऐसे सुकून से कंफर्टेबल बैठ के, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि लेट के भी जा सकते हैं लाहौर तक। ये थोड़ी देर के बाद जो है हमारी बस यहाँ से निकलेगी इंशाल्लाह सीधा लाहौर। मेरी सीट नंबर 13 इधर है भाई, मैंने पढ़ा था 13 उधर सामने लिखा हुआ था, मैंने सोचा वो 13 नंबर, ये देखें उधर भी 13 लिखा हुआ है, मगर
जो है इसमें बस में जो काम करती है वो आई सिस्टम हमारी मामला भाई, ये 14 ये 13 आपकी घर की। तो मैंने कहा भाई ये तो और भी अच्छा है, तो थोड़ा सुकून है उधर, मतलब सब फंसा हुआ बैठा हुआ था, ये अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए थोड़ी देर के बाद जो है हमारी गाड़ी निकलेगी इंशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الذي خلقنا هذا وما حملنا له. السلام عليكم. نحن نسكن في نجد 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 السلام عليكم. तो बेड खराब होने की सूरत में वॉमिट डॉग से तलब किए जा सकते हैं। आपस में या मोबाइल फोन पर बात करते हुए तमाम मुसाफिरों के आराम का ख्याल रखें। शुक्रिया। खूबसूरत नज़ारे हैं यार मोटर वे के, आप देख सकते हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह। देखें यार वाह, अभी मोटर वे पे हैं भाई हम। ये खूबसूरत नज़ारे और मौसम चेक करें, आखिर किस्म का मौसम हुआ है यार माशाल्लाह तबारक अल्लाह। एक हमारी सिस्टर आई थी, वो ग्लास खाली देखे गई है, इसका मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद कुछ पीने के लिए पानी या जूस वगैरह दे के जाएगी। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि हमें क्या खिलाते पिलाते हैं जी फैसल मुगवस वाले। पे स्टॉप ले रही है भाई हमारी बस। वाह क्या खूबसूरत पार्क बना हुआ है यार माशाल्लाह। पेट्रोल पंप, सुपर मार्केट, डोनाल्ड्स, डंकिन डोनाट्स, हार्डीज, मैकडोनाल्ड्स, सारे इंटरनेशनल ब्रांड है इधर भाई। वाह हाँ जी, ये है हमारी वीआईपी बस और यहाँ पे किया है स्टॉप तकरीबन 10 मिनट के लिए, तो थोड़ा जाते हैं वॉशरूम। और ये सामने सुपरमार्केट भी बड़ा, जहाँ पे बहुत लाउडली गाने चल रहे हैं भाई। ये देखो ये भाई सुपरमार्केट में अंदर आया हूँ, इधर से कुछ जूस सोच रहा हूँ ले लूँ। हाँ जी एक अदद जो है मैंने जूस ले ली, एक शावरमा दे दे भाई जाना, दे दिया गरम हो, शुक्रिया। ये सामने खड़ी है गाड़ी हमारी भाई, जब तक ये मैं शावरमा और जूस जो है इसको ख़त्म करता हूँ दो चार मिनट में। सलाम अलैकुम, इधर बैठ सकते हैं सर? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, बैठ सकते हैं? हाँ जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ बैठा हूँ भाई सामने, बिल्कुल ये सामने गाड़ी है मेरी और यहाँ पे बैठा हूँ मज़े से। ये है जी शावरमा जो मैंने ऑर्डर किया। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़े का यार माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी दोबारा जो है निकल चुकी है। सामने दरिया रावी है भाई, हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है इंशाल्लाह लाहौर पहुंच जाएंगे। समझ लीजिए लाहौर की हदूद ये दरिया रावी। यार मौसम आज इतना ज़बरदस्त है माशाल्लाह, जब से मैं इस्लामाबाद से चढ़ा हूँ गाड़ी में बादल छाए हुए हैं, अभी लाहौर हम पहुँचने वाले हैं, बादल वैसे के वैसे छाए हुए हैं।
क्या मज़े का मौसम है यहाँ पे, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तमाम मुसाफिर से इल्तिमास है कि किसी भी नुकसान की जरूरत में कंपनी या स्टाफ जिम्मेदार नहीं होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर पहुंच गया भाई खैर खैरियत से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।